हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो लेट्स स्टार्ट विद वीकली चार्ट। तो आज हमने बैंक निफ्टी में अच्छे खासा सेल ऑफ देखा था। बैंक निफ्टी एक टाइम पे 1000 पॉइंट प्लस नीचे ट्रेड करा था। लास्ट में हम थोड़ा सा रिकवर होके लगभग 35,550 पे बंद हुए, लगभग 700 पॉइंट नीचे, लगभग 2% डाउन। तो बैंक निफ्टी उसका जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आते हुए देखी और नीचे के लेवल जो है तो टेस्ट किए, वहाँ से थोड़ा सा बाउंड बैक होके 35,550 पे बंद हुआ है। तो चलो देखते हैं वीकली चार्ट पे कैसा दिखता है। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी दिखा रहा है लगभग 900 पॉइंट का लॉस फॉर द वीक, 2.5% नीचे एज कम्पेयर टू निफ्टी। हम जो है तो ऑलरेडी 2-3% जो है तो अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ जो है तो हम 50 वीक का जो एवरेज है उसके नीचे स्लिप कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ अभी जो सपोर्ट बचा है वो सुपर ट्रेंड का है जो था 35,000 के अराउंड, वहाँ से हमने थोड़ा सा बाउंस बैक देखा। अगर वो टूट जाता है तो हम बैंक निफ्टी में आते हुए देखेंगे 33,200 से लेकर लगभग 30,900 के लेवल इन मीडियम टर्म। तो ये लेवल नेक्स्ट 5-6 हफ्तों में आ सकते हैं अगर हम जो है तो 35,000 का लेवल तोड़ देते हैं। तो यहाँ क्लियर कट बैंक निफ्टी जो है तो क्लियर कट नीचे के सिग्नल दिखा रहा है और एज पर वीकली चार्ट यहाँ सेल ऑन राइज भी हो रहना चाहिए। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, हमें कभी भी किसी भी टाइम जो है तो रिवर्सल आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ फ्लो पे मार्केट चलेगा अभी यहाँ से। और ऑलरेडी वीक्स जो है तो लगभग 30 के अराउंड है, तो यहाँ इतना ईजी नहीं होगा ट्रेड करना, मगर आपको एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर आपको डायरेक्शन लेनी है तो बियरिश साइड की डायरेक्शन लीजिए। जैसे हम 35,000 टूटते हुए देखेंगे उसके बाद में जो है तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आएगी जो लेकर जाएगी मार्केट को लगभग 33,200 से लेकर 30,900 के लेवल की तरफ। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी जो इस महीने का जो पहला टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव कर लिया। इसका S1 टारगेट था 35,300, वो अचीव कर लिया, वहाँ से हमने बाउंस बैक दिया है। तो ये बाउंस बैक आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, मगर ऊपर के लेवल पे आपको 36,280 तो लगभग 36,300 पे जो है तो 200 डेज एवरेज है। तो वहीं से हमने जो है तो अच्छा खासा सेल ऑफ आते हुए देखा है और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग, तो ये कंटिन्यू भी हो सकता है। और यहाँ से अगर बाउंस बैक आया तो आपको फिर से फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी जो आएगी लगभग 36,300 के अराउंड। तो उस लेवल पे आता है तो आपको सेल करना है बैंक निफ्टी को। नीचे जो टारगेट बनेंगे वो फिर से जो है तो 35,300, उसके बाद में 34,200 और लास्ट जो टारगेट रहेगा इस महीने के लिए वो रहेगा 32,500 का। तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। इंडिकेटर वाइज प्राइस वाइज दोनों भी बेरिश दिख रहा है और जिस तरह से हमने गैप डाउन ओपनिंग दी है आज तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। या हमें अच्छा खासा फिर से जो है तो नीचे के लेवल आते हुए देख सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे हमने जो है तो पिछला वीक का जो लो था उसको टेस्ट किया और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है। तो कल के लिए अगर आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बाउंस बैक भी आ सकता है क्योंकि ये अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा बाउंस बैक भी आ सकता है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपका जो शॉर्टिंग का लेवल होगा, जैसे मैंने कहा 300-400 के अराउंड ही आपको शॉर्ट जाना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 700 के ऊपर रहेगा, 36,700 के ऊपर, और आपको शॉर्ट जाना है 36,300-450 के अराउंड शॉर्ट जाना है, 700 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। जो आपके टारगेट बनेंगे वो 34,800 और उसके बाद में जो है तो 33,700 के टारगेट बनेंगे इस हफ्ते के लिए। तो इस हफ्ते में सिर्फ अभी 2 दिन बाकी है और तो ये 2 दिन में ही नीचे के भी टारगेट आ सकते हैं और ऊपर के भी लेवल अगर आते हैं तो ही शॉर्ट जाइए। बीच में अगर शॉर्ट जाते हो आप तो आपको जो है तो रिस्क आपका ज़्यादा हो जाएगा और रिवॉर्ड कम हो रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी टारगेट के बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ ऊपर के लेवल का वेट कीजिए, अगर उन लेवल पे मिलता है बैंक निफ्टी तो ही शॉर्ट कीजिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। नीचे हमारे जो टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी में वो रहेंगे 34,850 और उसके बाद में 33,750 के। इस वीक के लिए टारगेट हम पकड़ के चलते हैं। यहाँ जो ऑप्शन ट्रेडर है उन्हें इन द मनी या फिर एट द मनी पुट ऑप्शन पे फोकस करना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मगर आपको एंट्री करनी है 36,300 या 400 के अराउंड। तो आपको 36,400 या 500 का जो पुट ऑप्शन है
नेक्स्ट एक्सपायरी का, उस पर आपको फोकस करना चाहिए विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे जो है, अगर नीचे के लेवल आते हैं तो आपको उसमें लगभग 2x गेन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अभी जो है तो विक्स थोड़ा थोड़ा ठंडा होते रहेगा, मार्केट गिरेगा, मगर विक्स जो है तो नीचे गिरेगा, तो उसकी वजह से आपको प्रीमियम में भी बहुत ज़्यादा डीके देखने को मिल सकता है। तो यहाँ इतना ईजी नहीं रहेगा ऑप्शन में लॉन्ग बाय साइड पे पोजिशन बनाना और उसमें पैसे बनाना। और ऑलरेडी हमें जो है वो वोलेटिलिटी है वो जो है तो वो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगी ट्रेडर के लिए। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट जो है तो बहुत ही इरेटिक बिहेवियर करेगा, न्यूज़ पे चलेगा, कभी टेक्निकल पे चलेगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दोनों तरफ के, और अगर विक्स बड़ा हुआ रहता है तो हमें दोनों तरफ के अच्छे खासे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जो छोटे ट्रेडर है उनके लिए सलाह रहेगी, थोड़े दिन आप जो है तो वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट में एक्टिवली ट्रेड मत कीजिए। और यहाँ जो है तो आपको बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के मौके मिल रहे हैं, तो उन पे फोकस कीजिए। बाकी फिलहाल के लिए थोड़ा दिन के लिए आप जो ट्रेडिंग है वो पॉज कर सकते हो। और यहाँ जो है तो आपको सेल ऑन राइज ही रहना है जब तक बैंक निफ्टी जो है तो 200 डेज एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हर एक बाउंस बैक यहाँ सोल्ड ऑफ होगा, तो आपको उसी साइड रहना है। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको अगर मेरे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।